मैं डीजे नहीं बनाऊं कभी और ना ही मैंने डीजे कंसोल से कभी कुछ खेला है, तो दिस वाज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. पर सबसे बेहतर, सबसे मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा आकर्ष के साथ काम करना इन अ फिल्म. हमने साथ में कुछ शोज लिखे हैं, साथ में थिएटर किया है, तो बहुत मज़ेदार रहा. उनका पूरा, उनकी इच्छा ये रहती है कि एवरीबडी शुड हैव अ गुड टाइम, दैट्स हिज बिगेस्ट थिंग. सो आई जस्ट वॉन्ट टू लेट हिम नो टुडे दैट आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग दिस फिल्म एंड आई एम श्योर एवरी वन एल्स विल अग्री विद इट. आई हर्ड इट ग्रेट. There is, I guess, no other way to answer it. It feels great. Actually, it just feels great to be back on big screen, small screen, whatever screen, computer screen. It's just good to keep working, and definitely nicer if it's such a fun film. He's a very interesting person. I won't be surprised if he's tried things like this in his life. But we were actually so. I write with a group of writers. So there's Adhir, there is Adhar Khurana, Siddharth Kumar. So we had a meeting where we were just tossing around ideas because matlab hum log soch rahe the ki kya kahan jaye. Tab kya hai ki web series wagera shuru ho gayi thi, kafi cheeze, to hum log soch rahe the ki kuch ek scripts ka bank hona chahiye. Aur ek jo idea ye aaya tha aur maine immediately bola ki yaar ye bahut acha idea hai aur isko aisa web wagera space mein nahi jaate, ye ek feature potential hai iska. To isko thoda sa flesh out karte hain because ye bahut mazedar kahani hai aur फ्रेंचाइज बने या ना बने वो तो रिलीज के बाद जैसे मधु ने कहा था, बट एक थॉट बहुत उसका एक हाई कॉन्सेप्ट थॉट था, तो मतलब इसको जरा फ्लैश आउट करते. सो इट इज एक्चुअली अ स्टोरी बाय अधीर भट्ट एंड देन आई टुक इट एंड फ्लैश्ड इट आउट एंड रोट द स्क्रीन प्ले एंड द डायलॉग्स. एंड हाउ डिड यू कम अबाउट कास्टिंग सुमित, मंत्रा एंड सोनाली इन द फिल्म? सो एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब आज ट्रेलर लॉन्च के साथ वर्ल्ड थिएटर डे भी है और मैं एक्चुअली 18 साल से अपनी एक थिएटर कंपनी चलाता हूँ. So one big advantage was that I've worked with a lot of these people or I've seen them in the theater. So Sumit is someone who's worked with me in the theater. Kumud Mishra hai, who's now of course huge in the cinema as well, but he also started from the theater. And I've seen Mantra in a very famous play of his called Pia Behrupia. And a lot of the people, Sarang and Priyanshu and all these people have worked in the theater with me. Sonali was ek cherry on the cake for us. बिकॉज हम यहाँ एक थिएटर वाली दुनिया में से लोग ले रहे थे और फिर बोला कि यार एक मतलब एक वैल्यू ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा इस फिल्म का एक लेवल बढ़ा लेते हैं, तो हम सोनाली को लाए. एंड बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जब हम फैंडम के पास भी गए थे तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इस फिल्म में देर आर अबाउट 16 to 17 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड ईच वन ऑफ देम, इवन इफ दे हैव टू और थ्री सीन्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड ईच वन ऑफ देम हैज़ वन प्रॉपर as a laugh out loud scene or important scene. So the good thing was that we decided ki hum log kisi aise chakkar mein nahi phasenge ki hum log ko koi particularly jaakar kisi famous bande ya kisi bade face ko dhoondna hai, humko acche actor dhoondne jo eventually ye plane mein set hai kahani. Humko pata tha ki kafi der tak in log ko ek saath rehna padega, to matlab ek dusre ki jaan na le le, to matlab there had to be people who get along and there had to be people who are funny. And jaise ki Sumit ne kaha ki matlab ऐसी फिल्म बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब अगर ऑडियंस को मज़ा आया, बहुत ज़रूरी होता है कि फिल्म बनाते हुए हमें मज़ा आया, तो वही इवेंचुअली स्क्रीन पे ट्रांसलेट होता है. और तो इसीलिए जो लोग चुने गए ऐसे चुने गए कि जो गारंटी थी कि मतलब ये लोग जब साथ में आएंगे तो कुछ ना कुछ मज़ेदार होगा. कॉमेडियन को कभी कोई सीरियसली नहीं लेता, वो दूसरी बात है. आजकल के कुछ कॉमेडियंस अपने आप को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं. खैर छोड़िए, मैं आकर्ष के साथ एक वेब सीरीज में साथ पे काम कर चुका था एंड मैंने उनसे तब भी कहा था और मैंने पोस्ट भी डाला था कि यार तेरा है दुरुस्त है कि एक ही शहर में रहे और एक ऐसा शख्स जिसके साथ काम करने में इतना मज़ा आया, इतना देर से क्यों मिला. सो एवरीथिंग अबाउट हाईजैक फॉर मी इज़ आकर्ष खुराना. एंड भाई फिल्म तो बड़ी मज़ेदार निकलने वाली है क्योंकि हाईजैकर्स इस फिल्म के अंदर जो आपको चार की एक चौकड़ी देखने को मिलेगी, ये चार प्रोफेशनल हाईजैकर्स तो है नहीं, लेकिन वो किस तरीके से इस प्लेन को हाईजैक करते और किस तरीके से फिर डीजे राक्षस और डीजे राकेश अपना गुल खिलाते हैं वहाँ पे, उसमें मज़ा आता है. और वैसे भी आई थिंक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई बीन ऑफ इट और जिस किस्म की स्क्रिप्ट आ रही थी इससे अच्छा तो मैं कबड्डी खेल रहा होता, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ एक ऐसा हिम्मत वाला डायरेक्टर मिला जिसने एक ऐसे एक्टर को एक ऐसा कैरेक्टर दिया.